सलमान खान ने पुलिस कर्मियों को दिए 1,00,000 सैनिटाइजर। नए ब्रांड की शुरुआत के साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस को 1,00,000 सैनिटाइजर दान किया है, जिसकी अब तारीफें की जा रही हैं। महाराष्ट्र के नेता राहुल एन कनाल ने एक ट्वीट के जरिए सलमान खान को धन्यवाद देते हुए उनके नेक काम की सराहना किया है। राबड़ी देवी पर फिल्म लालटेन स्मृति सिन्हा बनी हैं लालू की पत्नी। भोजपुरी सिनेमा की लकी गर्ल स्मृति सिन्हा अब राबड़ी देवी के रोल में दिखाई देंगी। जी हाँ, राबड़ी देवी के जीवन पर आधारित फिल्म लालटेन में स्मृति ये रोल कर रही हैं। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, लॉकडाउन के कारण अभी इसे रिलीज नहीं किया गया है। जल्दी प्रोड्यूसर इस बारे में आधिकारिक रूप से ऐलान करेंगे। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए आगे आया अमिताभ बच्चन, 10 बसों के जरिए भेजा घर। लॉकडाउन की वजह से कई प्रवासी मजदूर अपने घरों से दूर फंसे हुए हैं। इन मजदूरों की मदद के लिए सोनू सूद के बाद अब अमिताभ बच्चन आगे आए हैं। प्रवासियों के लिए अमिताभ बच्चन और उनके ऑफिस एबी कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से मुंबई से 10 बसों को यूपी के लिए रवाना किया गया है। शुक्रवार को मुंबई के हाजी अली जूस सेंटर से उत्तर प्रदेश के लिए 10 बसों को हरी झंडी दिखाई गई। जब फैन ने सोनू सूद की तुलना की साउथ सुपरस्टार रजनीकांत से, तब एक्टर ने दिया दिल जीतने वाला जवाब। सोनू सूद के लिए एक फीमेल फैन ने ट्विटर पर लिखा, क्या सोनू सूद फिल्म इंडस्ट्री के अगले रजनीकांत बनने जा रहे हैं? इस पर सोनू सूद ने कहा, मैं हमेशा ही एक कॉमन मैन बनकर रहना चाहता हूँ। सोनू सूद के इस जवाब ने सभी का दिल जीत लिया। जायरा वसीम ने टिड्डो के हमलों को बताया अल्लाह का कहर, बवाल के बाद डिलीट किया ट्विटर अकाउंट। जायरा वसीम ने टिड्डो के हमले की तुलना अल्लाह के कहर से कर दी। उन्होंने अपने ट्वीट में कुरान की एक आयत लिखी, जिसमें इन हमलों की चेतावनी और अल्लाह का कहर बताया गया है। जायरा के इस ट्वीट के बाद वो लोगों के निशाने पर आ गईं और लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया। लोग जायरा पर जमकर भड़के। लोगों ने तो ये तक कह दिया कि इस्लाम में ट्विटर का इस्तेमाल करना भी हराम है, तो उन्होंने ट्विटर छोड़ देना चाहिए। सोनू सूद ने कर दिया कमाल, अब केरल में फंसी 177 लड़कियों को कराया एयरलिफ्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनू सूद इन दिनों गरीबों और मजदूरों की मदद कर देश भर के लोगों का दिल जीत रहे हैं। वो लगातार मुंबई और आसपास के इलाकों में लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासियों को उनके घर भेजने और खाने का इंतजाम कर रहे हैं। बसों की व्यवस्था से टोल फ्री नंबर लॉन्च करने तक सोनू हर संभव मदद की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, अब उन्होंने 170 लड़कियों को एयरलिफ्ट किया है जो केरल के एर्नाकुलम में फंसी थी। ये लड़कियां एक लोकल फैक्ट्री में सिलाई और कढ़ाई का काम करती हैं। फैक्ट्री कोविड-19 के कारण बंद हो गई, ऐसे में ये कुमार विश्वास ने यूपी बिहार आधारित वेब सीरीज को लेकर कहा, भाषाओं पर रहम करो भाई। कुमार विश्वास ने अपने एक ट्वीट में भारतीय फिल्मों और वेब सीरीजों में इस्तेमाल हो रही भाषा को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने यूपी बिहार की पृष्ठभूमि पर बनने वाले सिनेमा पर अपनी आवाज़ उठाई है। उन्होंने ट्वीट में कहा, यूपी बिहार की पृष्ठभूमि पर फिल्में वेब सीरीज बनाने वाले मुंबईया लेखकों को ये क्यों लगता है कि भोजपुरी अवधि ब्रज बुंदेली मगही अंगिका वज्रिका सब एक ही हैं? एक ही घर के 5 सदस्यों में से बेटा भोजपुरी में सवाल करता है तो बाप अवधि में जवाब देता है। हमारी भाषाओं पर रहम करो भाई, कुमार विश्वास के इस ट्वीट को काफ़ी समर्थन मिल रहा है। गेंदा फूल के धमाल के बाद अब बादशाह ने दिया फैंस को एक और तोहफा, पेश किया गाने का गुजराती वर्जन। सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ये गाना आज भी कई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा है। बादशाह के इस सॉन्ग को पूरे देश ने खूब प्यार दिया और अब सोनी म्यूजिक इंडिया दर्शकों के लिए गेंदा फूल का गुजराती वर्जन लाकर अपने ऑडियंस को आश्चर्यचकित करने के लिए तैयार हैं। गेंदा फूल के गुजराती वर्जन में बादशाह के साथ भूमि त्रिवेदी ने अपनी आवाज़ दी है। जिंदगी कैसी है पहले, लिखने वाले गीतकार योगेश गौर का निधन, लता मंगेशकर ने जताया दुख। योगेश गौर के निधन की खबर सुनकर लता मंगेशकर काफ़ी भावुक हो गई। उन्होंने ट्वीट कर दुख जताया है। लता मंगेशकर लिखती हैं कि मुझे अभी पता चला कि दिल को छूने वाले गीत लिखने वाले कवि योगेश जी का आज स्वर्गवास हुआ। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। योगेश जी के लिखे कई गीत मैंने गाए। योगेश जी बहुत शांत और मधुर स्वभाव के इंसान थे। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ। जिंदा टिड्डियों को खाते देख भड़की प्रियंका चोपड़ा की बहन मीरा, वीडियो शेयर कर जताया गुस्सा। मीरा चोपड़ा ने एक शख्स का वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ये फॉरवर्ड वीडियो मिला है, क्या ये वीडियो सही है? लोग सच में टिड्डी खा रहे हैं क्या? कोरोना वायरस से उन्होंने अभी तक कोई सबक नहीं सीखा है? हैरान करने वाला है।